अज बड़े खुशी की गल है साढ़े शंकराचार्य जी इतों चिंतपुर्णी चौंक तो आओगे और अज उन्होंने प्रोग्राम केशव मंदिर है 7 बजे तो लैके 9 बजे तक प्रवचन करोगे। अज बड़े सानू खुशी महसूस हो रही है कि सानू ये उन्होंने स्वागत करने का मौका मिले। ये युवा वाणी जी टीम हैगी है ये चिंतपुर्णी चौंक महामाई कृपा नाल बड़ी सेवा कर रही है और अज तुसीं देख सकते हैं अज एक चिंतपुर्णी हुशियारपुर एक शान बनया होया गेट है। ये साड़ी जिन्नी भी हैगी युवा वाणी टीम के सहयोग नाल बनया और बाकी जो शहर पास सहयोग नाल बनया होया चौंक है वो सानू अश्विन शर्मा जी का बड़ा बहुत बड़ा सहयोग आ जिहड़े हर वेले साडे दिन रात खड़े हुंदे आ और असी महाराज का इंतजार करते पे हाँ वो आ जाने तो असं उन्हों का वेलकम करिए। जय श्री राम। हाँ जी अज बहुत खुशी का दिन है जी साडे शंकर आचार्य जी हुशियारपुर के आए हैं और असी सारी हुशियारपुर संगत को यही बेनती करते हैं कि केशव मंदिर के 7 से 9 अज उन्हें प्रवचन होंगे सारे आओ साडे युवा वाणी हुशियारपुर जो कि चिंतपुर्णी चौंक के सारे इकट्ठे होने स्वागत वास्ते और असी बहुत खुशी मनाने हैं सारे रल के और साडे छोटे अश्विनी जो कि प्रेस रिपोर्टर साडी बहुत ही इत्थे साडी संस्था नूं बहुत मदद करते साडी प्रेस रिपोर्टर विच और असी अज बहुत ही इन्हां दे आभारी हाँ और तुहाडे सारयां दे। जकारा श्री रामचंद्र जी का बहुत सच्चे दरबार की जय। ओ शंकराचार्य भगवान की जय।
सर्वगम प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत भारत हर हिंदू सभी शीघ्रता पूर्वक अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाव का मंगल में दर्शन हम सबको मन से हो रहा है। उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनके निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती मैं जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूँ वे शीघ्रता पूर्वक श्रीमन्नारायण पादुका के सम्मुख उपस्थित होकर श्रीमन्नारायण पादुका में पुष्पहार एवं पूजन समर्पित करेंगे। श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी शक्ति मंदिर श्री कमल जी कौर संदीप सैनी जी श्री हरीश श्री राहुल काशी जी श्री नारद भूषण वर्मा जी श्री सती नागोरी जी ये कुछ नाम मैंने यहाँ लिए हैं ये संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पादुकाओं में प्रणाम निवेदित करेंगे। अंतिम में मैं सभी सदस्यों का नाम स्मरण यहाँ से करूँगा। आप सभी श्रीमन्नारायण पादुकाओं में पुष्पहार प्रणाम निवेदित कर मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकर्मिः तं गुहायां वितय्यः पुण्डरीकं पुरमद्य सद्गुस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यजन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिले श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। श्रीमज्जगद्गुरुशङ्कराचार्य भगवान् की पराम्बिका भगवती की भगवती पराम्बिका के इस पवित्र प्रांगण में जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगल में दर्शन हम सबों को सुलभ हो रहा है। मैं निवेदन करूँगा मरवाहा जी श्री नरेश शर्मा जी प्रिंसिपल आप महानुभाव जी श्रीमन्नारायण पादुकाओं का नाम निर्दित करेंगे। एडवोकेट श्री संदीप शर्मा जी से मैं निवेदन करूँगा कि धर्मसंघ की परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी सभी संस्था की शाखाओं की ओर से और इस पूरे होशियारपुर अंचल की ओर से आप राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कल्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की वृंदावन विहारी लाल की हर हर महादेव।
गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे उसी प्रेमानंद बैठो। ये सुबह प्रवचन के बाद यहाँ कोई आएंगे उसी प्रेमानंद बैठो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत वृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हेलो धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध है
भारत का अर्थ होता है ज्ञान में निरत, विद्या और कला से संपन्न। भाव माने प्रकाश, ज्ञान होता है रत माने उसमें अनुरक्त आस्थानित। भारत, भारत के द्वारा संस्थापित भूभाग भारत, उद्दीप्त भूभाग भारत, यहाँ भारत जी ने शासन किया। लेकिन यौगिक विपत्ति के अनुसार भारत ज्ञान विज्ञान में निरत संलग्न सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जीविका जल से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त सिद्ध होता है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए या लक्ष्य होना चाहिए। केवल परिवार और पेट पालने तक जीवन को सीमित रखना उचित नहीं है। एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा नित्य आस्था पूर्वक निकले, उस रुपये का समय का उपयोग उस क्षेत्र को, मठ मंदिर को केंद्र बना करके हर प्रकार से बुलंद करने में, सुसंस्कृत करने में हो। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता यह आवश्यक है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण और स्वस्थ सभ्यतापूर्ण व्यक्ति और समाज को उद्भाषित करने का प्रयास करना चाहिए। नारायण। जितना अंश सत्यदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अंतर्यामी की प्रेरणा से फलवन्मुख होता उसी का नाम प्रारब्ध है। और गंभीरता पूर्वक ज्ञान का स्वरूप ही तो प्रारब्ध है ना। अपने द्वारा कर्तृत्व भौतिक बुद्धिपूर्वक अनुष्ठित कर्मों का जितना अंश सत्यदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से फलवन्मुख होता है उसी का नाम प्रारब्ध है। जाति आयु भोग, जन्म आयु और भोग प्रारंभ के तीन पद हैं। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य चाहे तो नया कर्म भी कर सकता है। नया कर्म करने का अगर मनुष्य का अधिकार न होता तो लौकिक भी हो सकता, मर्त लोक मनुष्य भी हो सकता, दुष्ट भी हो सकता है। इसलिए हमने संकेत किया अगर सूर्य भी आक्रमक होकर भगवत तत्व का, धर्मात्म तत्व का श्रवण मनन ज्ञापन नहीं करेंगे तो गीतोक्ति के अनुसार क्षीणे पूर्ण मध्य लोकम विपंक्ति कर्मोपासना का बल क्षीण हो जाने पर सूर्य का भी फसल हो सकता है। इसलिए मानव जीवन को सार्थक करने के लिए अनात्मक प्रपंच ज्योति सर्वों का विषम है उसके चित्त को आकर्षित करके नियंत्रणों का सम परमात्म तत्व में लगाना चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो चलता है भोग से वंचित नहीं होता, एक विचित्र तथ्य है। भगवान शंकराचार्य महाभाव ने छांदोग्य की सत्य वाक्य के संदर्भ में सत्य को उद्भाषित किया कि जो विरक्त होता है वैराग्य का विषय अनात्मा है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। आत्मा तत्व परमात्मा तत्व तो परम प्रेमास्पद है। जो विरक्त होता है, जो जिसके अनाशक्त होता है उसका अधिपत्य हो जाता है, जो जिसका अनुरक्त होता है उसका अधीन बन जाता है। अधिपत बनोगे या अधीन, क्या उत्तर हो? जो जिसने समाशक्त होता है वो उसका अधीन हो जाता है, जो जिसके अनाशक्त होता है विरक्त होता है उसका अधिपत हो जाता है। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? निर्धारित परिषद के अनुसार सभी मर्त लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में उनका जन्म हुआ था। वह
उन्होंने अपने एक जीवन में वेदांत सम्मत स्वास्थ्यता पूर्वक अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उनके हत्या के बाद उनको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित है जिन्होंने मर्त लोक में बृहद भारत में सतकुल में जन्म लिया था। आंगना उपासना जिनकी परपुष्ट हो गई थी, यह त्याग के बाद उनको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ है। इसमें संकेत करता हूँ, सावधान होकर सुनिए। वेदांत शास्त्र सम्मत का दुकान चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न हिंदू राष्ट्र की कहानी है। आप हिंदू राष्ट्र की गलती करते हैं, पर हिंदू राष्ट्र बनेगा किमें? हौली हौली साड़ी जनसंख्या जी है, हिंदुओं की जनसंख्या पूरे देश के दे घटती जा रही हैगी है, और जिन्हें के हिंदू बचे हैगे उन्होंने मावं जड़िया छोटा बच्चा है उस बच्चे अंधेरे तो डरा रही है, कुत्ते तो डरा रही है, बिल्ले तो डरा रही है। वो शूरवीरता कदों पैदा होगी? जदों बच्चे छोटे होंदे ही घर के बिचों बाबा है कोई नहीं, अंधेरा है कोई नहीं। बच्चा बड़ा हो जाएगा, 8 साल का हो गया, माँ ने कपड़े उपर सुकने पाए हुए जा पुत लै गया कि वह बच्चा जाएगा। कल अगर संकट पैदा हो जाता है देश के उत्ते, क्या वो बच्चा देश के वास्ते राष्ट्र के वास्ते बॉर्डर से जाएगा? जिस बच्चे ने आप सुनिए, मुस्लिम राष्ट्र बना दीजिए, क्रिश्चन राष्ट्र बना दीजिए, कम्युनिस्ट राष्ट्र बना दीजिए, फिर क्या होगा? मुस्लिम राष्ट्र बना दो, क्रिश्चन राष्ट्र बना दो, कम्युनिस्ट राष्ट्र बना दो, और 3 वर्षों से मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र। इसमें 204 देश हैं पूरे विश्व में, उसकी क्रांति आई है, लहर आई है नहीं? आप जैसे जो व्यक्ति है वो कहेंगे हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? सत्यपूर्ण और सनातनी वैदिक हिंदू थे या नहीं? दर्शन विज्ञान व्यवहार के दृष्टि से कोई नाम सूच कर सकता है? सुनिए, मेरी प्रशंसा मत सुनिए, वैदिक वाल्मीकि की प्रशंसा सुनिए। 5 मई 1999 को विश्व बैंक की अर्थशास्त्र संबंधी जितनी बुद्धि थी उसको सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने एक महिला अतिथि को मेरे पास दिल्ली में भेजा था। उसने विश्व बैंक की सारी अर्थशास्त्र संबंधी बुद्धियों को मेरे सामने रखा, मैंने उत्तर दिया और रोती हुई कहने लगी, कल्पना नहीं कर सकते थे इन प्रश्नों का उत्तर कहीं मिल जाएगा। फिर मैंने कहा, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, रोती क्यों हो? उसने क्या कहा मालूम है? भारत को क्या हो गया है कि वैदिक वाङ्मय के प्रभाव से, ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर कृपा से अर्थशास्त्र संबंधी जो आपको जानकारी प्राप्त है उसका लाभ उठाकर आर्थिक दृष्टि से भारत सबसे श्रेष्ठ क्यों नहीं होता? इसलिए न हो क्या प्रधानमंत्री गृहमंत्री आदि में क्षमता है कि हम लोगों के ज्ञान विज्ञान से लाभ उठा सकते हैं? मैं संकेत करता हूँ, पुराने गणतज्ञों का, वैज्ञानिकों का नाम लिया जाता है, बहुत अच्छी बात लेना चाहिए, लेकिन इनके शासनकाल में अगर वो वैज्ञानिक होते हैं, गणतज्ञ होते हैं, तो कुचल नहीं कर जाता, समझते? अगर इनके सामने इनके जीवन काल में, इनके शासनकाल में वो वैज्ञानिक होते, गणतज्ञ होते, इनके अधीन नहीं होते, इनका गुलाम नहीं होते, इनका दासानुदास नहीं होते, तो कुचल नहीं का प्रयास करते हैं, करते हो ही रहा है। इसलिए हमने संकेत किया कि किस आधार पर पहले हिंदू दुर्बल है, कई दुर्बल नहीं है, आपका हृदय दुर्बल है, बोलते का क्या होगा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? दूसरी बात, औरों के लिए जो असंभव हो वह जिसको संभव लगता हो उसे जो संभव करके दिखा दे वही ज्ञान की रचना करता है। भारत को स्वतंत्र बनाना औरों के लिए असंभव था, जिन बंधे जिन बंधों के जो संबंध हुआ मैंने क्रांति प्रारंभ की, औरों के लिए हिंदू राष्ट्र असंभव होगा। मेरे लिए तो आज मैं संकेत करता हूँ हिंदू राष्ट्र है, होगा ही, विश्वास करता घोषित भारत हिंदू राष्ट्र होगा। यहाँ तक कि मॉरिशस इत्यादि का क्या कहना है मालूम आपको? यदि भारत अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, 1 साल की अवधि में हम
मॉरिशस वाले मॉरिशस को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। कम से कम 15 देश विश्व में ऐसे हैं भारत के प्रमाण की ओर देख कर केवल लज्जित होते। अगर भारत अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, एक साल की अवधि में विश्व के 15 देश अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। अब सुनिए, गुलाम नबी आजाद तक मेरी आवाज पहुंची होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारे पूर्व कश्मीरी पंडित थे, अभी पाकिस्तान से आवाज आ रही है। ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान से आवाज आ रही है, हमारे पूर्व क्षत्रिय थे, मुगलों के शासन काल में बलपूर्वक उनको पिशावर बना दिया गया, हम आस्थान्वित हैं हिंदू राष्ट्र के प्रति, तो आपको आज असंभव लगता हो मुझसे बता दीजिए, हमको असंभव नहीं लगता। और जिस कक्ष में रहता हूँ उन्हीं में, उसके बाहर गोष्ठी वाले कक्ष में आ रहा था, इस साल पहले दीवार से चंदन ने भगवती दुर्गा का चित्र पर आलोक है, वहाँ आते ही मेरा मुँह अपने आप खुल गया। 3 बार मुझसे निकला हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, तब से पूरे विश्व में नाच चल रही है। फिर हमको डर लगता है, संकुचित संकोच होता है, इसका मतलब कि हमको डर लगता है कि हम कोई पाप करने जा रहे हैं, तब तो बात हमारे हृदय तो बुलंद होता जाता है, इसलिए हमारे लिए असफलता नामक करके नहीं। सुनक के पूर्वज कौन थे? सुनक रैना है या नहीं? सुनक जो है इंग्लैंड में रैना है या नहीं? कश्मीरी परंपरा के है या नहीं? कहाँ तक आप करोगे? अब अभी अमरीका में क्या है, सब तो वही है, परिचित बात इधर उधर गए, इधर हो गए, उधर हो गए, अब पूछना तुम्हें क्या भोजन कर रहा है। श्री गुरुदेव जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव जी, जैसे हम कह रहे हैं कि हिंदू निर्बल हो गए हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, जब श्री राम मंदिर बना था बनने के लिए लोग हुशियारपुर से जाते थे ना, तो सिर मुड़वा के जाते थे यहाँ से, बहुत लोग जाते थे राम मंदिर के लिए, योगदान हुशियारपुर के लोगों का बहुत है, तो हिंदू राष्ट्र शर्मा जी जरूर बनेगा, आप घबराइए मत। जब ये गल है हिंदू राज बनेगा ही, आपकी भावना है शुक्रिया। भगवान के जो संविधान हमें स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुआ, हमारे जो पूर्वज थे 500 साल की स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपनी संस्कृति को संजोकर रखा, बचा के रखा, क्या कारण हुआ कि जब अपने ही देश के लोगों के हाथ में सत्ता आई तो भारत की जो हमारा जो सनातन धर्म है, सिद्धांत है, उसका इतना पतन हो गया 75 वर्ष में। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन बौद्ध सिख हिंदू घोषित किए गए या नहीं, संबंध संविधान में जो कुछ चुकी है मुझे मालूम, भविष्य में सनातन संविधान रहते पुस्तक में हिंदू लॉ नामक पुस्तक में लिखूंगा, लेकिन भारतीय संविधान की 25वीं धारा में जैन बौद्ध सिख ये सब हिंदू घोषित किए गए या नहीं? अगर भारतीय संविधान की 25वीं धारा
का स्वागत किया गया होता तो अनुकूल वातावरण बनता तो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में हिंदू दूसरे स्थान पर होता और दर्शन विज्ञान में बात सिद्धांत के कारण प्रथम स्थान पर पहुंच गया होता। आरक्षण के ज्ञानों हम आकर जैन बौद्ध सिखों ने अपने आप को हिंदू घोषित कर दिया, उसका विप्लव हुआ। अब न जैन सुरक्षित है, न बौद्ध सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है। मैं उदाहरण देता हूँ, पट के वृक्ष से आम के वृक्ष से विशाखा पुशाखा पत्र पुष्प फलच्युत हो जाते हैं, विच्युत हो ही गए। साथ ही साथ उच्युत होते हैं वो वृक्ष को क्या करते हैं, स्वभाहीन बना देते हैं। इसी प्रकार हिंदुओं को दुर्बल करने के ज्ञानों में जो जो हिंदू धर्म को छोड़कर पिछले उनका नागरिक सुरक्षित है, नागरिक सुरक्षित है, हिंदू का भी सुरक्षित था, आदमी सुरक्षित था, आगे भी सुरक्षित है। हिंदू संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने संविधान की क्या टिप्पणी की थी उस पर भी तो ज्ञान के होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा।